200 से अधिक छोटी बड़ी नदियाँ, लगभग 1,00,000 तालाब और तकरीबन 21,000 छोटे बड़े चौरों यानी दलदली क्षेत्रों की मौजूदगी वाला उत्तर बिहार देश का जल संपन्न इलाका माना जाता है। अमूमन हर साल ठीक ठाक बारिश के बाद बाढ़ की नियमित विभीषिका झेलने वाला यह इलाका अब भीषण जल संकट की चपेट में है। उत्तर बिहार के दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर जिलों का भूजल स्तर तेजी से नीचे गिर रहा है। घरों के हैंडपंप और खेतों के बोरिंग सूख जाने से दरभंगा और मुजफ्फरपुर जैसे बड़े शहरों में टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जा रही है। इन दिनों दरभंगा और मुजफ्फरपुर जैसे शहरों में 10-20 जगहों पर सबमर्सिबल बोरिंग होते हुए आसानी से देखा जा सकता है। कई जगह जमीन की सतह के नीचे का पानी 350 फीट तक नीचे चला गया है, जबकि आम तौर पर इन इलाकों में पानी अमूमन 60 से 70 फीट की गहराई में मिल जाया करता था। कभी मिथिलांचल के सबसे प्रसिद्ध शहर दरभंगा की पहचान पग पग पोखर पान मखान से होती थी। आज भी यहाँ हर पग पर कोई न कोई तालाब मिल जाता है। तालाबों के ऐसे शहर में आज लोग पानी के गैलन लेकर भटक रहे हैं। जिनके पास पैसा है वे धड़ल्ले से सबमर्सिबल बोरिंग करवा रहे हैं। आज की तारीख में शहर का नगर निगम टैंकरों से घरों में पानी की आपूर्ति करवा रहा है। आज से महज 4-5 साल पहले तक इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दरभंगा में पहली बार टैंकरों से पानी की नियमित आपूर्ति कराई जा रही है। इससे पहले भी टैंकर होते थे जो किसी आयोजन या आकस्मिक स्थिति में जलापूर्ति कराते थे। दरअसल ऐसा पहली बार हुआ है कि शहर में लगे हैंडपंप तक सूख गए हैं और लोगों को पीने के पानी के लिए अब नगर निगम के टैंकरों पर आश्रित होना पड़ रहा है। उत्तर बिहार में बारिश में भी कमी आई है, यह भी पानी के संकट का एक बड़ा कारण माना जा रहा है। हालांकि 2001 के मुकाबले 2017 में कुछ जिलों में अधिक बारिश हुई है, जबकि अधिकतर जिलों में औसत से कम बारिश हुई है। पूरे राज्य में तालाब अतिक्रमण के शिकार हैं, जबकि इस राज्य में कभी 2,00,000 से अधिक तालाब हुआ करते थे, लेकिन अब 98,000 तालाब ही रह गए हैं। इस मामले में इकलौता सरकारी हस्तक्षेप ये हुआ कि 28 सितंबर 2016 को पटना हाई कोर्ट ने तालाबों के अतिक्रमण के मसले पर चिंता व्यक्त की और राज्य सरकार से स्टेटस मांगा, तो राज्य सरकार की ओर से पहली दफा राज्य के सभी जल निकायों का सर्वे हुआ। राज्य के भू राजस्व विभाग ने हाईकोर्ट को 9 मार्च 2017 को जानकारी दी कि इस वक्त राज्य में कुल निकायों की कुल संख्या 1,99,248 है। इसमें 12,027 जल निकाय अतिक्रमण के शिकार हैं। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि सिर्फ आदेश जारी करने से नहीं होगा, वो नियमित मॉनिटरिंग कर इन जल निकायों को 20 मई 2017 तक अतिक्रमण से मुक्त कराए। मगर अदालत के आदेश के बावजूद जमीन पर इन जल निकायों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के प्रयास कहीं नजर नहीं आते। भीषण गर्मी के कारण एशिया में मीठे पानी की सबसे बड़ी और 15,594 एकड़ के रकबे में फैली पानी की सबसे बड़ी गोखुर श्रेणी की झील काबर इस साल पूरी तरह सूख गई है। गंडक की धारा बदलने से भीषण गर्मी के कारण बिहार का एशिया में मीठे पानी की सबसे बड़ी और 15,594 एकड़ में फैली गोखर श्रेणी की झील काबर इस साल पूरी तरह सूख गई है। गंडक के धारा बदलने से बनी इस झील में 106 किस्म की स्थानीय और 59 किस्म के प्रवासी पक्षी दिखते रहे हैं। यहाँ 41 तरह की मछलियाँ भी बड़ी संख्या में पाई जाती रही हैं। ये क्षेत्र आसपास के मछुआरों के लिए आजीविका का बड़ा साधन भी रहा है। हाड़ मास को झुलसा देने वाली भीषण गर्मी के बढ़ते असर को देखते हुए बिहार सरकार ने पूरे राज्य के कई जिलों में धारा 144 लागू कर निषेधाज्ञा का विस्तार कर दिया है। इस अवधि में किसी तरह का निर्माण कार्य और मनरेगा के तहत कराए जाने वाले कार्य बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। राज्य भर के स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को अगले आदेश तक 22 जून तक बंद रखने के लिए कहा गया है। बिहार में
दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आने का समय 10 से 12 जून होता है। यह बंगाल की खाड़ी के रास्ते बिहार में प्रवेश करता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये देर से आ रहा है। मौसम विज्ञान विभाग के अधिकारियों ने बताया कि केरल में ही मानसून की दस्तक देर से होती है, इसलिए बिहार में भी ये देर से आता है। पिछले साल बिहार में मानसून की दस्तक 25 जून को हुई थी और 2016 में 17 जून से मानसून की बारिश शुरू हो गई थी। प्रशासन को उम्मीद है कि अगले 2-3 दिनों में हालात सुधरेंगे, तब निषेधाज्ञा हटा ली जाएगी, क्योंकि इस साल 20 जून तक मानसून के बिहार में दस्तक देने का अनुमान था। इन दिनों उत्तर बिहार की जलधाराएं भी सूख रही हैं। यह भी जल संकट का एक बड़ा कारण माना जा रहा है। ये धाराएं और छोटी नदियां असल में गंगा की सहायक गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा जैसी बड़ी नदियों की सहायक नदियां हैं, और कुछ दूर तक बहने के बाद ये इन नदियों में मिल जाती हैं और फिर कई दफा इनसे फूट कर अलग भी हो जाती हैं। मगर आज की तारीख में इनमें से बहुत कम धाराएं जीवित हैं। इसका दोष तटबंधों को दिया जा सकता है, जिन्होंने बड़ी नदियों के छोटी नदियों से मिलने का मार्ग अवरुद्ध कर दिया है। इस वजह से जो छोटी धाराएं थीं, वे निष्प्राण होने लगी हैं। फिर लोगों ने जमीन की लालच में इनमें मिट्टी भरकर मकान बनवा लिए हैं और कई जगह खेती तक करने लगे हैं। कुछ ऐसा ही सुलूक धान की खेती के लिए बेहतरीन माने जाने वाले चौरों के साथ भी होने लगा है। चौर उत्तर बिहार की एक खास किस्म की जल संरचना वाली भूमि को कहा जाता है। नदियों से लगे ये उथले झील होते हैं। बाढ़ के वक्त जब नदियों में पानी अधिक जमा होने लगता है तो चौर में पानी जमा हो जाता है, और गर्मियों में चौर अपना पानी नदियों को वापस कर देती है और किसान चौरों में खेती करते हैं। मगर लोगों को लगा कि ये चौर फालतू हैं। 80 के दशक में सरकार ने इन चौरों को सुखाकर खेतों में बदलने की योजना शुरू की, ताकि उन पर एक से ज्यादा फसलें उगाई जा सके। पंप लगाकर चौरों को सुखाया गया, ये सोचे बगैर कि ये योजना इकोसिस्टम को नष्ट कर देगी। उत्तर बिहार की दो बड़ी झीलें काबर और कुशेश्वर स्थान के साथ भी यही हुआ। दोनों पक्षी विहार हैं और रिजर्व क्षेत्र हैं। इसके बावजूद खेती की जमीन के लालच में लोगों ने दोनों झीलों की जमीनों को सुखाना शुरू कर दिया है। नदियों से इसका कनेक्शन खत्म कर दिया गया है। इस तरह झीलों, नदियों और चौरों को सुखाकर खेती करने का जुनून इस जल संपन्न इलाके को ड्राई जोन में बदल रहा है। इससे किसानों को तो लाभ हो रहा है, मगर उत्तर बिहार के लाखों मछुआरों की आजीविका नष्ट हो रही है। मंझौल और आसपास के इलाकों में रहने वाले 1000 से अधिक मछुआरों के परिवारों की रोजी रोटी पहले इस झील से चल जाती थी, अब उनमें से ज्यादातर या तो खेतिहर मजदूर हैं या मजदूरी के लिए अपना इलाका छोड़कर प्रवास कर रहे हैं, क्योंकि नदियां तटबंध से घिर गई हैं, पोखरे भरे जा रहे हैं और झीलें सूख गई हैं। उत्तर बिहार में भीषण जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उत्तर बिहार में उत्पन्न जल संकट की इस स्थिति में नेपाल में हो रही पर्यावरणीय घटनाओं की भी बड़ी भूमिका है। यहाँ की शिवालिक पर्वत श्रेणी क्षेत्र में पिछले 2 दशक में पेड़ों की खूब कटाई हुई है, जिससे यहाँ से निकलने और होकर बहने वाली नदियों में रेत की मात्रा काफी बढ़ गई है। इसके बाद उत्तर बिहार के इस इलाके को बाढ़ की नियमित विभीषिका का सामना करना है।